नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुक कर लेते हैं खबर की ओर। अखिलेश यादव के सहारनपुर दौरे पर उनके साथ बसपा सांसद फजल उर रहमान के देखे जाने पर सियासी कयास तेज हो गए हैं। दरअसल अखिलेश यादव सहारनपुर के देवबंद विधानसभा सीट से सपा विधायक रहे माविया अली के बेटे हैदर अली की शादी में पहुंचे थे, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और सहारनपुर से बसपा सांसद हाजी फजल उर रहमान कुरैशी की गलबहियां चर्चाओं में है। अखिलेश यादव और हाजी फजल उर रहमान ने करीब आधे घंटे से ज्यादा एक साथ रहे और सियासी गुफ्तगू की। अखिलेश यादव और फजल उर रहमान की इस मुलाकात ने कई चर्चाओं को जन्म दे दिया है, जहां कुछ लोग इस मुलाकात को शादी में हुई सामान्य मुलाकात भी बता रहे हैं। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि बसपा सांसद हाजी फजल उर रहमान कुरैशी आगामी चुनाव सपा के टिकट पर लड़ सकते हैं और ये मुलाकात भी उसी अगले राजनीतिक कदम का अहम हिस्सा है। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में तिहास से सपा विधायक आशु मलिक भी काफी अहम भूमिका में हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सुल्तानपुर से सांसद मेनका गांधी ने पटरी दुकानदारों को बड़ा तोहफा दिया है। सांसद ने आज वेंडर जोन का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि इस वेंडर जोन में टीन शेड भी लगाए गए हैं। वहीं इस वेंडर जोन से करीब 300 पटरी गुमटे दुकानदार को अपना रोजगार मिलेगा। दरअसल जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट के पीछे वेंडिंग जोन का शुभारंभ करने पहुंची सांसद मेनका गांधी ने हजारों बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया है। इसी के साथ सांसद ने सड़क पर आवारा घूमने वाले गाय के लिए मॉडर्न डेयरी खोलने की घोषणा की है। साथ ही बस स्टेशन को शहर के बाहर करते हुए उस स्थान पर मल्टीप्लेक्स पार्किंग खोलने की भी घोषणा की है। जो मुख्य सड़कें हैं वहाँ से ठेले वाले एक ऐसी जगह पाएं जहाँ धूप रहे, मतलब धूप उनको ना पड़े, छाए में रहें, बारिश ना झेलें और खुशी खुशी बेचें और इतनी दूर ना हो जहाँ लोग नहीं खरीद सकते। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ हमारे MLC जी को, हमारे MLA जी को, विनोद सिंह जी, शैलेंद्र सिंह जी के, जिनकी मदद से ये बने हैं। और मैं धन्यवाद देती हूँ चेयरमैन साहब की, जिनके पैसों से भी और ओवरसाइट से भी ये बहुत ही सुंदर जगह बनी है कि गाय यहाँ से हट जाए तो एक डेयरी नगर बन जाए। उसके लिए ज़मीन चेयरमैन साहब ने ढूंढी, लेकिन वो विवादित है फिलहाल। एक मैं चाहती हूँ कि जो मज़दूर खड़े होते हैं रोज़ नौकरी ढूंढने के लिए, उनके लिए दिन की दिहाड़ी ढूंढने के लिए, तो उनके लिए एक हम जगह बनाएँ ताकि वो भी पीड़ित ना हो। उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड की ओर से दीपावली के अवसर पर डालीबाग स्थित एक बता दें कि खादी भवन में 10 दिवसीय माटी कला मेला का उद्घाटन उद्योग मंत्री राकेश सचान ने किया। इस दौरान मेले में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए शिल्पकारों और कारीगरों ने अपनी कला को प्रदर्शित करने के लिए स्टॉल लगाए हैं। वहीं माटी कला बोर्ड की तरफ से इन कारीगरों को निःशुल्क स्टॉल आवंटित भी किया गया। बता दें कि इस माटी कला प्रदर्शनी में माटी कला से संबंधित सभी प्रकार के उत्पाद उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार माटी से जुड़े कामों को लेकर बेहद ही बढ़िया तरीका अपना रही है। बात करें तो कारीगरों की आर्थिक स्थिति को लेकर बेहतर काम किया जा रहा है। इस समय हमारे साथ राकेश सचान जी मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं जिस प्रकार सरकार जो है सूक्ष्म मेला लगा हुआ है, मिट्टी के उत्पाद का प्रदर्शन पूरे प्रदेश से आए हुए जितने उत्पादक हैं उनके द्वारा जो उत्पाद है उनका प्रदर्शन हो रहा है। लगातार दिवाली तक ये कार्यक्रम चलेगा। सर, आगामी लोकसभा चुनाव में मिशन 80 की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन अखिलेश यादव का कहना है कि उनका PDA जो है वो NDA पे भारी पड़ेगा और सपा 65 सीटों पे इस बार लोकसभा चुनाव। जो पिछली बार का गठबंधन था उसका भी रिजल्ट आपने देखा है, सबसे बड़ा गठबंधन था सपा बसपा का, तब वो कहीं कुछ नहीं कर पाए हैं। इस बार 80 में 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के बल पर जीतेगी। सर, अखिलेश यादव के बाद अजय राय ने भी फोन टैपिंग की बात कही है, किस प्रकार से देखते हैं विपक्षी नेताओं की इस तरह की? अब उनकी परंपरागत जो सीट है वही बच जाए बहुत है। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने गठबंधन पर बयान देते हुए कहा था कि इसके पहले भी समाजवादी पार्टी ने बसपा के साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन किया था, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने तकरीबन 65 सीटें जीती थी। वीडियो लिस्ट विजय के साथ मैं विवेक शाही, प्राइम टीवी, लखनऊ। Ciao.
झांसी के महुआ रानीपुर में बाइक सवार दो नकाबपोश बदमाशों ने एक व्यापारी के साथ 7,20,000 रुपए की बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल बैंक में पैसा जमा करने गए भाजपा नगर अध्यक्ष दिनेश राजपूत के बेटे ऋषभ राजपूत जैसे ही बैंक के बाहर पहुंचे तभी पहले से घात लगाए नकाबपोश बदमाशों ने उनके हाथ से बैग छीन लिया और पैसों से भरा बैग लेकर चंपत हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही दल बल के साथ मौके पर पहुंचे डीआईजी ने एसओजी सहित 3 अलग अलग टीम गठित कर घटना का जल्दी खुलासा करने के निर्देश दिए हैं। इसमें एक व्यक्ति अपना उनके एजेंसी है जो शराब की दुकान है और उसका पैसा इकट्ठा करके 3 दिन में एक बार आके जमा करते हैं, तो उसको पैसा जमा करने के लिए आज घर से निकले अपना 4-व्हीलर से अकेले निकले थे और जैसे बैंक का सामने आके अपना 4-व्हीलर बंद करके उतर के अपना जो पैसा भरा हुआ थैला लेके निकले थे तो तब तक पीछे से एक मोटरसाइकिल में 2 सवार आए थे जिसमें ये लोग अपना गमछा लगाया हुआ था मुंह पे, वो इनको लात मार के वो बैग छीन के फरार हुए हैं। अभी हम लोग घटनास्थल पर आसपास पूरा सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं। इसमें जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुआ है वो ब्लैक रंग का है और इस घटना खुलासा करने के लिए हमारा जनपद के मुख्य लोगों को जो जिनको जानकारी इस क्षेत्र के आसपास और उन लोगों को जो क्राइम ब्रांच और सब मिला के लगभग 3 टीम हम लोग अभी गठन किए हैं जो पूरा वादी से भी पूछताछ कर रहे हैं। खबर देवरिया जिले के सलीमपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सोनबरसा से अचानक कुछ दबंगों ने एक युवक पर 2-2 बार जानलेवा हमला कर दिया। दरअसल पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही कुछ दबंगों ने कुलदीप यादव नाम के युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी थी जिसमें कुलदीप को गंभीर चोटें भी आई थी, जिसके बाद परिजनों ने दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं मुकदमा वापस लेने की धमकी देते हुए दबंगों ने कुलदीप यादव पर फिर से जानलेवा हमला बोल दिया। हालांकि पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया था लेकिन 2 बार हुई घटनाओं के बाद भी पुलिस किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जिसके बाद पीड़ित युवक पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगा रहा है। देवरिया के सदर कोतवाली क्षेत्र के रामनाथ मोहल्ला की रीता देवी पिता कुंज बिहारी को उसके ही बेटे अवनीश विश्वकर्मा ने मारपीट कर मानवता को शर्मसार कर दिया है। जहां रोती बिलखती रही मां, पीड़ित मां का कहना है कि मेरा बेटा अवनीश विश्वकर्मा हमें आए दिन प्रताड़ित करता है और अपने चाचा के सहयोग से हमें पति पत्नी को लगातार मारता पीटता रहता है। मेरा छोटा बेटा ही हम लोगों का खर्चा चलाता है। हम अपने बड़े बेटे से परेशान होकर सदर कोतवाली थाने में पहुंचे हैं। वहीं रीता देवी और उनके पति कुंज बिहारी का थाने पर रो रो कर बुरा हाल हो गया था। न्याय की उम्मीद में थाने में 1 घंटे तक बैठी रही। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यह माँ काफी भावुक हो चुकी है। जिसका औलादी नालायक हो उसको क्या कहा जा सकता है। ऐसे में यह माँ अपने औलाद से परेशान है, अपने बेटे से परेशान है जो बेटा इसको आए दिन प्रताड़ित कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है और घर से निकाल रहा है। रोज कहीं से कर भोला बाबा कह लगे तो से जाके मार से के फेंक दस मुकदमा एकर आवास कर बाप दे ले बा एकर बाप कर जमीन दे ले हम अपने नामे आवास भरनी तब बोल का कनी तब बना हमारा कचा से रोज दिन थाना पुलिस कर त न सारे पीछे मारे खाती जो है तब बदमाश ले ले। मेरा बाप बोले ना कि पत्थरीटा चला के मारस, बताइए बुड्ढा जन कोई मारेगा तो बचेगा। ये सब डेली गाली था, डेली मम्मी मेरा जाकर पीछे सोती है तो झाड़ू देते कुंचा। आपका क्या नाम है? आपके भाई का क्या नाम है? क्या अवनीश विश्वकर्मा कपड़ा दुकान खोलता है। अच्छा, कहाँ रहता है? घर में मम्मी लोग साथ इधर बात उधर करता है। चाचा मिला, चाचा मेरा जाकर डेली वहाँ बैठ के उसका काम करते हैं। खर्चा देता है? नहीं, 1 भी रुपया नहीं देता। क्या नाम है आपका? मनीष विश्वकर्मा। रोज जब अजरा तब आज का पैसा का घर में जब बेबा तब कहता कर चाचा बा मिल के ही कहता ना सके के घर में से निकाल के खींच के मारा सके खींच के मारा सके का बात। आप इस माँ के दुख को सुन सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। इस माँ का रो रो कर बुरा हाल है। माँ अपनी फरियाद के लिए थाने में आई है। जाहिर सी बात है पुलिस अपना काम करेगी। कहीं ना कहीं देखा जाए जो आजकल के बेटे जन्म ले रहे हैं वो अपने माँ को बेसहारा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें माँ और बाप की भी भूमिका कहीं ना कहीं संदिग्ध मिल रही है। और जो माँ का प्यार मिलता है, बेटों को प्यार मिलता है, वो उस वही प्यार का देन है कि आज बेटा
माँ को घर से बाहर निकाल रहा है और खर्चा देने से भी इनकार कर रहा है। और माँ बता रही है कि जैसा कि जो ये छोटा लड़का है, मैं दिखाना चाहूँगा, यही अपना माँ के भरण पोषण कर अपनी जीविका चला रहा है और बैटरी रिक्शा चलाता है ये लड़का। ये छोटी सी उम्र में कह सकते हैं एक भाई एक लड़का अपनी माँ का सहारा बना हुआ है। कहीं ना कहीं अगर बेटे ही माँ के साथ ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा समाज। और मैं यहाँ शासन प्रशासन से भी अपील करना चाहता हूँ कि इस माँ को न्याय मिलना चाहिए और बेटे पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। ऐसे बेटा समाज को कलंकित करेंगे तो हर माँ का यही हाल होगा। और इस वीडियो में जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग देख कर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ कि ये कौन सा लड़का है जो माँ को अपने ऐसे किया है। कौन चाचा क्या कहते हैं इसी चाहते हैं दुकान जाकर देखिए ये मेरा भाई है, ये सब यही वो लड़का है जो अपने माँ को घर से निकाला है, जैसा माँ ने आरोप लगाया कि आप उसको मारते पीटते हैं। अच्छा सर ये बताइए, हम दूध पीने लड़के दिख रहे हैं, आप हमको कहिए उनको मान लीजिए मार देंगे, हम हमारे कपड़े की दुकान है, 10 आदमी रोज हम डील कर रहे हैं, कुछ चढ़ाने से मार देंगे, बताइए कैसा मातारी है जो एक लड़के बनाए खिलाई एक लड़के नहीं खिलाई, बताइए एक लड़के बनाती है एक लड़के नहीं खिलाती है, कोठरी एक है उसमें बना के अपने खा लेगी, उसके बाद हमको नहीं पूछेगी। पूजा घर पर चला खांसी, 3 खांसी पूछा, एक भी पीस नहीं दिया सब, बाहरी आदमी यहाँ खाए सब, हमको एक भी नहीं छुए खाने के लिए, बताइए ऐसा कोई माँ होता है? रुको हमसे बात करने से पहले, ऐसा कोई माँ होती है बताइए? आज ये माँ थाने में पहुँची है, रो रही है, बता रही है कि आप खर्चा नहीं देते हैं, आप हमेशा उनको मारते पीटते हैं। अच्छा ये बताइए कौन यहाँ मोहल्ले में पूरा वहाँ पूछ लीजिए कि मारे तुरंत DNA चेक कराइए, हमको पैसा हम लाएंगे, DNA चेक कराइए, हाथ उठाओगे चाहे कुछ भी होगा पैसा उसकी जिम्मेदारी हम है। जैसा कि आप तस्वीरों में जो भी कुछ बयान हो रहा है कहीं ना कहीं कमियां देखी जा रही हैं, कुछ ना कुछ कमियां हैं जो आज माँ बेटे अलग हो रहे हैं और माँ बेटे के कुछ ना कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है जो यह जाहिर किया जा रहा है। मैं लगातार ग्राउंड जीरो पे आपको दिखा रहा हूँ, यह बेटा है जो माँ ने आरोप लगाया है कि मारता पीटता है घर से निकालता है। अब कहने वाली बात है, अब माँ ने जो यहाँ रो रो कर अपना बयान दे रही है बता रही है, यह भी कहीं ना कहीं जांच का विषय है। मैं प्राइम TV से रवि रावत देवरिया। आज के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम TV।